सीरियल नामकरण में अवनी अली और नील के बीच शुरू होगा लव ट्रायंगल, जो बनेगा आने वाली प्रॉब्लम का कारण। सीरियल नामकरण में नील के मन में अवनी के लिए फीलिंग्स आनी शुरू हो गई हैं। नील जो कि पहले अवनी पर शक करता था, उसे लगता था कि अवनी किसी मकसद से यहाँ पर आई है और अब उसके मन में अवनी के लिए फीलिंग्स रख गई है और वो उसकी तरफ हो गया है। अवनी और नील की ये अटैचमेंट अब कुछ लिमिट्स क्रॉस कर गई है और वो दोनों अब दोस्ती के कुछ आगे बढ़ गए हैं। नील अवनी के लिए अपने मन में अलग फीलिंग्स को पहचानने लग गया है और दूसरी तरफ अली को भी पता चल गया है कि अनन्या ही उसकी अवनी है, जिसका वो 15 साल से इंतजार कर रहा था। अली अनन्या का सच जानकर बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उसका बचपन का प्यार वापस आ गया है और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अवनी से अपने प्यार का इजहार करेगा। अवनी को इस पूरे लव ड्रामे के बारे में कुछ भी खबर नहीं है क्योंकि वो दयावंती मेहता के अगेंस्ट अपने मिशन में लगी हुई है और वो अब अपने भाई को ठीक करना चाहती है। अब देखते हैं कि ये नया लव ट्रायंगल शो में क्या नए ट्विस्ट लेकर आता है। वेल, शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सीरियल नामकरण में अवनी अली और नील के बीच शुरू होगा लव ट्रायंगल, जो बनेगा आने वाली प्रॉब्लम का कारण। सीरियल नामकरण में नील के मन में अवनी के लिए फीलिंग्स आनी शुरू हो गई हैं। नील जो कि पहले अवनी पर शक करता था, उसे लगता था कि अवनी किसी मकसद से यहाँ पर आई हैं और अब उसके मन में अवनी के लिए फीलिंग्स रख गई हैं और वो उसकी तरफ हो गया है। अवनी और नील की ये अटैचमेंट अब कुछ लिमिट्स क्रॉस कर गई हैं और वो दोनों अब दोस्ती के कुछ आगे बढ़ गए हैं। नील अवनी के लिए अपने मन में अलग फीलिंग्स को पहचानने लग गया है और दूसरी तरफ अली को भी पता चल गया है कि अनन्या ही उसकी अवनी है, जिसका वो 15 साल से इंतजार कर रहा था। अली अनन्या का सच जानकर बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उसका बचपन का प्यार वापस आ गया है और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अवनी से अपने प्यार का इजहार करेगा। अवनी को इस पूरे लव ड्रामे के बारे में कुछ भी खबर नहीं है क्योंकि वो दयावंती मेहता के अगेंस्ट अपने मिशन में लगी हुई है और वो अब अपने भाई को ठीक करना चाहती है। अब देखते हैं कि ये नया लव ट्रायंगल शो में क्या नए ट्विस्ट लेकर आता है। वेल, शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज